यहाँ एक सांप्रदायिक जो तनाव की स्थिति रहेगी, लोग डरे भी हैं क्योंकि गाय के नाम पे पूरे देश में राज्य में तमाम तरह की हिंसा की घटनाएं हो रही है। तो परंतु प्रशासन बिल्कुल मान नहीं रहा था, तमाम अधिकारियों ने यहाँ पर कह दिया कि ये तो हमारी चीज हम तो करके रहे। पुलिस वालों ने पहले बताया कि लाठीचार्ज की औरतों पर, जो औरतें मदरसे के अंदर बैठी थी रो रही थी, कलाम पाक अजीम शान एक जो मुकद्दस किताब है वो उसके अंदर रखे होते हैं मस्जिद मदरसों के अंदर, जैसे गुरुद्वारे के अंदर रखी होती है बाइबल, हर चीज के अंदर मस्जिद के अंदर मंदिरों के अंदर गीताएं रखी होती हैं, जब वो चीज धराशायी होती तो जाहिर सी बात है उनको ठेस पहुंचती। तो लोग औरतें आदमी वहां के कलाम पाक उठा रहे थे मस्जिद मदरसों में से, तो उठाने के पर्पज से उन पर लाठी चार्ज की गई। जब उन पर लाठी पुलिस ने मारी तो इधर से लोगों ने पथराव किया, जब लोगों ने इधर से पथराव किया तो उधर से पुलिस ने भी किया। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी उठा के पत्थर मार रहे हैं। कर्फ्यू का माहौल है, बहुत भय का माहौल है और हर किसी को पता है कि देशी गोली मारने का शूट है और यहाँ तक कि छतों तक पे नहीं रहने दे रहे हैं, छतों पर भी देख ले रहे हैं तो कह रहे हैं घर में से उठा लेंगे तुम्हें। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कर्फ्यू लग गया है, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए। जब अधिकारियों ने गुरुवार को बनभूलपुरा इलाके में मस्जिद से सटे एक मदरसे को अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया तो मंजर कुछ और ही हो गया। हमने यहाँ के एक स्थानीय निवासी से बात की, हालात की गंभीरता को देखते हुए वे अपनी पहचान छिपा कर ही हमसे बात कर पाए। आप लोग किस, जब ये सब हो रहा था आप लोग क्या कर रहे थे उस समय, कहाँ पे थे? मैम पूरा शहर अपने काम में था, सभी समुदाय यहाँ मिलजुल कर काम करते हैं, सब मिलजुल कर अपने काम कर रहे थे। पुलिस प्रशासन एकदम अचानक से, क्योंकि यहाँ UCC जो लागू हुआ है कानून उसको लेकर छावनी बना रखी है पूरे उत्तराखंड में, तो उसकी पुलिस लगी है पूरे शहर में, उस पुलिस पूरी प्रशासन को अचानक से उसमें कोई विरोध नहीं हुआ UCC कानून को लेकर पूरे प्रदेश में, तो उसको लेकर हमारे पूरा कुमाऊं में जो है किसी भी तरीके का विवाद नहीं हुआ। अब वो प्रशासन यहाँ मौजूद था, अचानक से प्रशासन, वो सारा प्रशासन को प्रोटोकॉल मिलती होगी, जो प्रशासन सीधा बगीचे के अंदर मलिक के बगीचे में आता है और आते ही 3-4 बिल्डोजर आने के साथ उसको धराशायी करने के लिए आ जाते हैं। तो लगभग 5 बजे यहाँ पुलिस आ गई थी और डरावना माहौल हो गया था, शहर के जो मेन मुख्य बाजार है वो बंद होना चालू हो गया था। उसके बाद हम लगभग यहाँ तकरीबन 8 बजे पहुंचे हैं, तो यहाँ खूब अफरा तफरी थी, लोग घरों के अंदर थे, डरावना माहौल था और कर्फ्यू जैसी बात सुनने को मिल गई थी और प्रशासन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था लोगों को और लोगों ने भी उधर से परेशान करना प्रशासन को चालू किया था। किस तरीके से, मतलब आप बता सकते हैं कुछ आपने देखा हो या उस वक्त क्या स्थिति थी? प्रशासन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं तो कैसे आप बता सकते हैं? मैं प्रशासन पे इल्जाम लगाने का सीधा सीधा मौजूद यही है कि जब हमारी हाईकोर्ट में तारीख थी और हाईकोर्ट में 14 तारीख मिल चुकी है सुनवाई की, अगली डेट मिल चुकी थी, तो प्रशासन को हमारे जो एरिए के जो जिम्मेदार होते हैं उलमा होते हैं उनसे मीटिंग करते, बातचीत करते तो भाई इसको हम ध्वस्त करेंगे, उन लोगों से बातचीत करते हैं, वो लोग आवाम को समझाते हैं। इस वजह से मैं उन पर आरोप लगाता हूँ क्योंकि उनको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि शांतिपूर्वक माहौल लेता, ऐसा लग रहा जैसे उनकी सोची समझी साजिश थी। यहाँ कोई दंगाई, जैसा कि न्यूज चैनलों पर चल रहा है कि दंगाई है हल्द्वानी के या अतिक्रमण है, ये सब कुछ कैसे बने? अगर प्रशासन हमारे जिम्मेदार लोगों को, उलमा लोगों को या नेता लोगों को बातचीत करता कि भाई हम इसको ध्वस्त करने वाले हैं, तो उनसे मीटिंग होती, वो आवाम को समझाते, किसी भी तरीके का ऐसा बवाल नहीं होता। प्रशासन क्या भूल चुका था कि किसी भी धार्मिक स्थिति को तोड़ेंगे तो लोग नहीं बोलेंगे? क्या सोचा था प्रशासन ने? यह प्रशासन की सोची समझी साजिश थी है कि इसको यहाँ पर ऐसा उग्रवाद कराना है। इसके अलावा CPIML के एक नेता ने हमें इस जमीन विवाद से जुड़ी कई चीजें बताई हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। अभी तो तनाव तो बहुत जबरदस्त तरीके से है, है ना, जिस तरह से प्रशासन ने किया है तो बहुत ही बेवजह, बहुत ही गैर जरूरी है और एक प्रकार से मैं तो कहूँ कि गैर जिम्मेदाराना के साथ साथ एक प्रकार का सांप्रदायिक व्यवहार है ना प्रशासन का पूरे तौर पे, और इसकी जरूरत नहीं थी। जबकि वो जगह जो है जिसको कहा जा रहा है कि वह नजूल की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, तो उस पर तो कब्जा नगर निगम प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने ले लिया था पहले ही, है ना, और उसको सील कर दिया था, उसमें ताला लगा दिया था। इतनी जल्दबाजी इसको तोड़ने की क्यों थी, है ना, ये तो समझ से परे है। ऐसी एक और भी जो जगह है नजारत था बगीचा, ये तो मलिक था बगीचा के नाम से थी, वहां भी उसको कब्जा करके उसमें मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस समय हम लोग नगर निगम के बाहर खड़े हैं। हल्द्वानी में वार्ड 31 कंपनी बाग मलिक का बगीचा जो कि एक मलिन बस्ती है, वहां पर 2 दशक पुराना मस्जिद और मदरसा बना हुआ है। 30 जनवरी 2024 को यानी कि अभी 3 दिन पहले ही
नगर निगम और प्रशासन वहां पर पहुंचता है और नोटिस दोनों जगहों पर चस्पा करता है। नोटिस में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि दो दिन यानी कि 1 फरवरी 2024 तक इस जो लैंड है इसको ध्वस्त कर ले, वो नजूल की बात उसके अंदर लिखी थी। डीएम को उसका जवाब तो गया, लेकिन इस पूरे मामले में आज उलेमा जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर हैं, इस पूरे मामले पर विरोध कर रहे हैं और ध्वस्तीकरण का भी विरोध कर रहे हैं। अंदर आज प्रशासन मौजूद है, प्रशासन में है नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह है, एसडीएम है परितोष वर्मा, कोतवाल है और पुलिस के अधिकारी भी है। हल्द्वानी जो है, हल्द्वानी की अधिकांश जमीन नजूल है, मतलब उसमें जो चाहे हिंदू बहुल आबादी रहती है चाहे मुस्लिम बहुल आबादी रहती है, दोनों ही इलाकों में है ना बड़े पैमाने पर नजूल जमीन है। और अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चल रहा है, तो उसमें खास तौर पर टारगेट जो है अल्पसंख्यक आबादी को किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सड़क चौड़ीकरण में कुछ तो बाजार में दुकानें जो है हिंदू आबादी हो रहा है, लेकिन अभी का जो पूरा प्रकरण है इसे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सचेत तरीके से बिल्कुल किया गया है। और जिस तरह का पूरा हुआ उसका पूरा जिला प्रशासन, पूरा पुलिस, ये जो नगर निगम प्रशासन है, इसका एक तो फेलियर भी है भाई, या तो ये आकलन नहीं कर पाए कि भाई इतना तो हो सकता है, या इनका आकलन था और पूरे की पूरी सरकार ने जान बूझ करके बिगाड़ने के लिए पूरा सियासी लाभ लेने के लिए इसको किया। तो इसके लिए तो पूरे तौर पर तो जिलाधिकारी को और SSP को बर्खास्त किया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, इतना बड़ा हो गया। हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में 6 लोगों की मौत हो गई, कुछ और भी अगर बात होगी, और उसमें से मजे की बात है कि जो लोग मारे गए, वो मारे गए लोग जो हैं वो कोई भी उसमें उपद्रवी नहीं थे, कोई घर आ रहा था, कोई अपने मजदूरी से काम से आ रहा था, है ना, तो कोई ऐसा था नहीं मामला। और इस मामले को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है ना, वो बहुत ही तमाम तरीके से सवाल खड़ा करता है। अगर गवर्नमेंट को उसको चाहिए थी, उसके कोई दूसरे भी प्रोटोकॉल होते हैं, बड़े बड़े शहर में इतने बड़े बड़े काम हो चुके हैं, क्या वो इसी तरीके से होते हैं जैसे ये देश के अंदर ये हुआ है, शहर के अंदर पूरा जैसा माहौल सा बन गया। मैम आप बता सकते हैं इस वक्त जो अभी हुआ है क्या, मतलब क्योंकि ये कह रहे हैं कि प्लानिंग से पूरा दंगा हुआ है, जो डीएम है उनका भी बयान है कि नैनीताल की जो डीएम है उन्होंने भी बोला है कि मतलब एक तरीके से प्लानिंग भी थी इसमें, पूरा का पूरा प्लानिंग किया जा रहा था। तो ये विवाद जो है लैंड को लेकर है, जमीन को लेकर है, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा? मैम प्लानिंग किसी भी तरीके की नहीं होती है, मैं किसी भी एरिया में मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च तोड़ने चले जाऊं तो उनकी प्लानिंग कोई नहीं होगी। ये किसी का व्यक्तिगत घर कोई नहीं टूट रहा है मैम, या किसी व्यक्तिगत किसी बंदे की प्रॉपर्टी कोई नहीं है। आप कोई धार्मिक स्थिति तोड़ने गए, धार्मिक मंदिर तोड़ने गए तो उसमें तो प्लानिंग है ही नहीं भाई, जिसको पता चलेगा। मैम आपको पता है कि हर व्यक्ति आ जाएगा कि मस्जिद का नाम है, मस्जिद को तोड़ने गए, चलो भाई चलो, क्यों तोड़ ले मस्जिद को, किसी का घर तो टूटा नहीं है। जो प्लानिंग होगी किसी घर वाले ने, व्यक्ति ने इनको इकट्ठा कर लिया, लोगों को बुला लिया कि भाई पथराव करना, मेरा घर टूट रहा है। तो ये तो आस्था का मामला है, और आस्था को मैम ये तो पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान फेमस है, यहाँ हर एक धर्म को सम्मान मिलता है। उसके बाद गंगा जमुना तहजीब को ये ठेस पहुंची है, और ये सरासर प्रशासन की इसमें गलतियां रही हैं जिससे कि ये पूरा बवाल हुआ है। नुकसान के बारे में कुछ बता सकते हैं, कैसे नुकसान हुआ है, क्या स्थिति है, नुकसान कितना हुआ है? मैम नुकसान का कोई नहीं आइडिया, क्योंकि कर्फ्यू का माहौल है, बहुत भय का माहौल है, और हर किसी को पता है कि देखते गोली मारने का शूट है, और यहाँ तक कि छतों तक तो नहीं रहने दे रहे हैं, छतों पर भी देख ले रहे हैं तो कह रहे हैं घर में से उठा लेंगे तुम्हें। तो ऐसा माहौल बना रखा है, बिल्कुल भय का माहौल बना रखा है। तो मैम नुकसान का तो कुछ पता नहीं है कि किसका क्या नुकसान हुआ है, ये पता है कि आवाम में से कुछ लोगों की जानें जा चुकी है, और आवाम जो थी यही सोच रही थी कि यार ये जो प्रशासन है 3-4 दिन से लगा है, ये UCC कानून को लेकर लगा है और ये अपना काम कर रहा है, और किसी को विरोध करना नहीं था, तो सब अपने अपने कामों में थे, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा बवाल हो जाएगा। हल्द्वानी जो शहर रहा है वो कभी ऐसा रहा ही नहीं कि यहाँ किसी भी तरीके का विवाद हो, बड़े समझीदे पढ़े लिखे लोग रहते हैं जिससे कि बड़ा आपस में यहाँ भाईचारा है और सब मिलजुल कर काम करते हैं। और हल्द्वानी एक बहुत बड़ी मिसाल है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि कुमाऊं का ये गेट माना जाता है और पूरे कुमाऊं में यहीं से सारी सप्लाई है।